और सब मेन रोड की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ के खेतों में जाने के बजाय ये सब सड़क के रास्ते अगले गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनते ही शेर सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में गुम हो जाते हैं। शेरों को इसी गांव में आना था, लेकिन शेर के नन्हे बच्चों के लिए यह जगह ठीक नहीं है। यहां मवेशियों की बेशक भरमार है, मगर शेर के बच्चे कुत्तों का शिकार बन सकते हैं। कुत्ते शेरों को देखते ही भौंक भौंक कर पूरे गांव को खबरदार कर सकते हैं। फिलहाल मवेशी सुरक्षित हैं। शेरनियों और उनके बच्चों को भी यहां खाने को कुछ नहीं मिला। कई भूखे पर पक्षी और मुर्दाखोर भी यहां भटक रहे हैं। ऐसा धारीदार लकड़बग्घा बहुत कम देखने में आता है। ये मुर्दाखोर बड़े शर्मीले होते हैं और मुर्दा जानवर की गंध बहुत दूर से ही सूंघ लेते हैं। शेरों की जूठर इनके जीने का बड़ा सहारा है। ये यहां जंगल से भागकर नहीं आया, ये यहां के लोगों के बीच रहने वाला प्राणी है। आखिरकार लकड़बग्घे को एक मरा हुआ जानवर मिल ही गया, पर इसे पता है कि मुसीबत भी बस आती ही होगी। शेर की खुराक का एक तिहाई हिस्सा भी मुर्दा जानवर ही होते हैं। लकड़बग्घे की भलाई इसी में है कि अपना भोजन कहीं और ले जाकर खाए, पर इन बेचारों की किस्मत में फिलहाल खाना खाना नहीं लिखा। जाने कहां से ये शेरनी आधम की और उनका खाना खुद हड़प कर खाने लग गई। पर एक बार में 20 किलो तक ही तो खाएगी। सियारों और लकड़बग्घों के लिए उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा।